हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभय। आज की इस वीडियो में हम लोग अपना एक रिकर्शन का प्रोग्राम करेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम क्या कह रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन में क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बेसिकली फिबोनाची सीरीज जनरेट करना है अप टू एन टर्म्स। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है मैंने, राइट अ जावा प्रोग्राम टू जनरेट द फिबोनाची सीरीज अप टू अ गिवन टर्म एंड यूजिंग रिकर्शन। मतलब यहाँ पर यूजर एन इनपुट करेगा और उसके बेसिस में हमें यहाँ पर अपना फिबोनाची सीरीज अपना आउटपुट में जनरेट करना है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे यहाँ पर फिबोनाची सीरीज होता क्या है। तो यहाँ पर अगर फिबोनाची सीरीज की बात करें तो बेसिकली ये सीरीज हमारा 0 और 1 से स्टार्ट होता है। ओके, और इसमें क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर अगर मुझे अपना कोई न्यू एक एलिमेंट लिखना है तो वो एलिमेंट हमारा कैसे आएगा, हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग के जो 2 एलिमेंट है उसको प्लस करके हम लोग अपना थर्ड एलिमेंट लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर 0 1 है, तो अगर 0 1 को प्लस करूंगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पर मेरा थर्ड एलिमेंट हो गया 1। ओके, अब मुझे इसके बाद लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट देखें तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 1 1। ओके, तो 1 1 को प्लस करूंगा तो 2 आएगा, ठीक है। देन इसके बाद लिखना है तो 1 2 को प्लस करूंगा तो 3। ओके, और ऐसे करते करते जितना हमारा यहाँ पर यूजर एन इनपुट करेगा उतने टर्म के बेसिस में यहाँ पर हमें अपना फिबोनाची सीरीज अपना आउटपुट में डिस्प्ले करानी है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप इनपुट में देख सकते हैं कि यूजर ने अगर N7 किया तो आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हमारा 7 टर्म्स तक हमारा यहाँ पर फिबोनाची सीरीज जनरेट हो गया है। ओके, तो यहाँ पर अगर इसी क्लास की बात करें तो क्लास हमारा फिबो होगा। ओके, उसके बाद अगर इस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग अपना एक ही वेरिएबल बनाएंगे नाम। ओके, जो हमारा क्या कर रहा है, इंटीजर टू स्टोर द वैल्यू ऑफ एन। मतलब यहाँ पर जो यूजर एन इनपुट करेगा वो हम लोग यहाँ पर अपना नम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ओके, देन यहाँ पर अगर मेंबर फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना जो भी हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है उनको उनको इनिशियलाइज करेंगे। मतलब यहाँ पर नंबर पास कर देंगे 0। ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर वॉइड एक्सेप्ट नम है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपने यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट कराएंगे और वो हम लोग यहाँ पर अपना नम में स्टोर कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट हमारा फिब ब्रेकर, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि पैरामीटर मैंने ए बी और एन पास किया है। ओके, और इस फंक्शन का काम क्या है, कैलकुलेट द सम एंड प्रिंट द सम अप टू एन टर्म्स। ओके, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना ए बी का सम निकालेंगे और उसके बेसिस में हम लोग यहाँ पर अपना सीरीज में एक एक करके अपना एलिमेंट प्रिंट करते रहेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा फंक्शन होगा, ये फंक्शन हमारा यहाँ पर रिकर्जन होगा। ओके, तो यहाँ पर लिख दे रहे यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। ओके, तो यहाँ पर रिकर्सिव टेक्निक के बेसिस में यहाँ पर हम लोग अपना सम निकालेंगे और सम हम लोग अपना तब तक निकालेंगे जितने टाइम्स हमारा यहाँ पर एन हम लोगों ने यहाँ पर अपना इनपुट दिया है। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना जो भी सीरीज है वो हम लोग अपना प्रिंट करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब ये जो फैब ब्रेकर फंक्शन है इसको कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपना सीरीज को प्रिंट कर देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन देन। तो जैसे कि आप यहाँ पर इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपना यूटिल पैकेज को इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर मैंने क्लास बनाई है, क्लास का नाम लिखा है फीबो, उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन कर दिया इंट नाम, ठीक है। देन यहाँ पर फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने बनाया है, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने नम 0 कर दिया है। ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा एक्सेप्ट नेम है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन के बेसिस में एक लाइन लिखी है। क्या लाइन है, एंटर द पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर अपना पॉजिटिव नंबर इनपुट करेगा, इनपुट करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने नम वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। ओके, उसके बाद अगर नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा फेब्रिकर है, जिसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को सम निकालना है और जो भी सम आएगा वो हम लोग प्रिंट करेंगे और कब तक करेंगे, जब तक हमारा यहाँ पर जो यूजर ने एंड दिया है उतने टाइम हमें यहाँ पर सम निकालना होगा। ओके, तो ये फंक्शन अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना इसके बाद वाला फंक्शन देख लेते हैं। तो उसके बाद वाला फंक्शन हमारा शो फंक्शन है, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर मैंने अपना 2 वेरिएबल बनाया है, पहले वेरिएबल का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, ठीक है। ए में मैंने 0 पास किया और बी में 1 पास किया, ठीक है। देन यहाँ पर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिन और यहाँ पर मैंने ए और बी को प्रिंट कर दिया है। ओके, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कॉमा प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो अगर ए की बात करें तो ए 0 है हमारा, कॉमा बी 1 है, कॉमा, ठीक है, ऐसे करके प्रिंट कर दिया है। प्रिंट करने के बाद मैंने क्या किया है,
यहाँ पर मैंने अपना फैब्रिकर फंक्शन को कॉल किया है और इससे मैंने अपना ए बी और यहाँ पर जो हमारा नम था मतलब जो यूजर ने जो नंबर इनपुट किया है उसको पास कर दिया है, लेकिन यहाँ पर -2 पास कर दिया है। -2 क्यों पास कर दिया है? क्योंकि यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग के जो दो नंबर्स थे वो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो हमें इसके बाद के नंबर्स को प्रिंट करना है, तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर अपना -2 अपना पास कर दिया है अपना इस फैब्रिकर फंक्शन में। ओके, तो यहाँ पर अगर इस फैब्रिकर फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर ए में 0 है और बी में 1 है, और यहाँ पर हमारा जो भी नम है उसका हमारा पर -2 स्टोर है एन में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चेक किया है कि अगर मेरा एन ग्रेटर देन 1 है तो इसमें क्या करूं, इसमें यहाँ पर मैंने अपना सम निकाला है, सम निकाला है, और सम कैसे निकाला है, यहाँ पर मैंने ए को बी से प्लस कर दिया है, ठीक है। प्लस करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया सम को, और साथ ही साथ मैंने अपना कॉमा भी प्रिंट कर दिया है, ठीक है। देन मैंने क्या किया है, देन मैंने यहाँ पर अपना वैल्यू को स्वैप किया है, मतलब जो बी की वैल्यू है वो हमारी ए हो जाएगी और जो हमारा सम की वैल्यू है वो हमारी बी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैंने अपना फैब्रिकर फंक्शन को फिर से कॉल किया है, और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अपना एन -1 भी कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हमारा एक और पॉइंट है जहाँ पर मैंने एन को एक कम चलाया है, कम इसलिए चलाया है क्योंकि एक्चुअली जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा प्रिंट हो रहा है वो हमारा लास्ट में कॉमा में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जब हमारा लास्ट एलिमेंट प्रिंट हो तो उसके आगे हमारा कॉमा ना हो, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इसको एक कम चलाया है। तो यहाँ पर जब ये मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन का यूज करूंगा और सिंपली मैं ए प्लस बी कर दूंगा, यहाँ पर मैं अपना कॉमा को ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं कि ताकि जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों को ये ड्राई रन से इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो मान लीजिए ए यहाँ पर 0 है और बी 1 है, और यहाँ पर जो एन आया है वो हमारा आया है 4। ओके, मतलब यहाँ पर जो यूजर ने जो इनपुट किया है नाम वो है हमारा 6, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस फंक्शन की बात करें तो एन में हमारा 4 है, तो 4 क्या ग्रेटर देन 1 है, डेफिनेटली है। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सम में ए प्लस बी कर दिया है, मतलब यहाँ पर सम में क्या आएगा हमारा 0 + 1 1, ठीक है। देन इसके बाद प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया 1, ओके। 0, 1 हमारा ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया है, ओके। देन इसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने वैल्यू स्वैप की है, मतलब यहाँ पर अगर बी की बात करें तो बी में हमारा 1 है, जैसे कि देख सकते हैं कि बी में हमारा 1 है, तो ए में आ जाएगा हमारा 1, और उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर सम की वैल्यू हमारी 1 आई है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा हमारा 1, ओके। उसके बाद मैंने अपना फंक्शन को फिर से कॉल किया है और इसमें क्या पास किया है, यहाँ पर मैंने अपना ए को पास कर दिया 1, बी 1 है और यहाँ पर एन -1, ये एन -1 क्या होगा 3 -1, मतलब 2 पास किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ए की बात करें तो ए हमारा 1 है, बी 1 है, और यहाँ पर एन की बात करें तो एन हमारा यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर ये 3 नहीं होगा, यहाँ पर 4 होगा, ये एन आएगा 3, ओके। उसके बाद चेक किया कि क्या 3 > 1 है, कंडीशन 2 है, तो यहाँ पर अब क्या सम आएगा, सम आएगा हमारा यहाँ पर 2, ओके। 2 आया है तो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पर हमारा टोटल प्रिंट हो जाएगा 0, 1, 1, 2, ओके। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर वैल्यू स्वैप की है, मतलब बी की बात करें तो बी में हमारा 1 है और अगर सम की बात करें तो सम हमारा 2 है, तो मतलब बी हो गया हमारा 2, ओके। देन यहाँ पर फैब रिकर फंक्शन को फिर से कॉल किया है और अब क्या पास किया है, अब पास किया है 1, 2 और अब ये हो जाएगा 2, ओके। तो यहाँ पर ये फिर से चलेगा, अब जब ये फिर से चलेगा तो यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या 2 > 1 है, कंडीशन 2 है, तो यहाँ पर सम की बात करें तो सम हमारा क्या आएगा, सम आएगा अब हमारा 2 + 1 3, ओके। उसके बाद प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रिंट में हमारा क्या आएगा 0, 1, 1, 2 एंड देन 3, ठीक है। देन फिर से कॉमा, देन यहाँ पर हम लोगों ने स्वैपिंग की है, तो फिर यहाँ पर स्वैपिंग में क्या आएगा, ए हमारा अब हो जाएगा 2, जैसे कि देख सकते हैं कि बी 2 है, एंड देन यहाँ पर अगर बी की बात करें तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। देन फंक्शन को फिर से कॉल किया है, तो अब हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, फैब्रिकर में, यहाँ पर मैं इधर लिख दे रहा हूँ, फैब्रिकर में आप क्या जाएगा 2, 3 और यहाँ पर जाएगा हमारा 1, ओके। तो यहाँ पर जब ये कंडीशन में गया तो यहाँ पर 1 > 1 कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने ए प्लस बी कर दिया है, तो मतलब हमारा प्रिंट हो जाएगा 0, 1, 2, 3 और उसके बाद 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने कर दिया रिटर्न, ओके। तो इससे क्या हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने अपना फिबोनाची सीरीज अपना प्रिंट कर दी है, ओके। आई होप आपको जो ये मैंने रिकर्जन फंक्शन बताया वो आपको प्रॉपरली समझ में आया।
देन इसके बाद क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने अपना मेन फंक्शन बनाया है, एंड मेन फंक्शन में सबसे पहले हम लोगों ने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, एंड देन यहाँ पर हम लोगों ने अपना एक्सेप्ट नाउन फंक्शन को कॉल किया है, और उसके बाद शो फंक्शन को कॉल किया है। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो। अगर आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। आज के, टाटा बाय बाय।